क्योंकि आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम जो है हमारा धीरे धीरे वहाँ पे विकास के तमाम कार्य हो किए जा रहे हैं केदारनाथ धाम में, तो यात्रियों की सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए, वहाँ पर मूवमेंट को और थोड़ा स्मूथ करने के लिए, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो विकलांग लोग होते हैं, या फिर जो हमारे साधु संत होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है केदारनाथ में किसी स्थान पर, तो उनके लिए केदारनाथ में थार, महिंद्रा की थार पहुँचाई गई है, जिससे कि यात्रियों को और सुविधाएँ बेहतर मिल सकेंगी। केदारनाथ धाम कहाँ पे वाहन चलेंगे? केदारनाथ धाम में जहाँ पर भी हमारा ये जो ट्रैक रूट है, हमारा जो आस्था पथ है, या पीछे जो हेलीपैड है, तो वहाँ पर ही इस पूरे सर्किट में इस गाड़ी को चलाया जाएगा। सर किसके अधीन ये चलेंगे कार? अभी हमने इस गाड़ी को केदारनाथ डेवलपमेंट अथॉरिटी को हैंड ओवर किया है, और उनके माध्यम से ही वहाँ केदारनाथ में इसका संचालन किया जाएगा।